नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे। ताकि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव अगर अड़ली हुए तो ये मानते हुए अलग अलग दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है और बीजेपी ने इस बीच हूल दिवस के दिन बड़ा आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि 1951 से लेकर 2011 तक आदिवासियों की जनसंख्या अगर कंपैरेटिवली देखी जाए तो घट गई है और ये 16% का इसमें गिरावट दर्ज किया गया है। 44% पहले था, अब आदिवासी जो है उनकी जनसंख्या सिर्फ 28% रह गई है, जबकि अल्पसंख्यकों की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी साफ तौर से उनका आरोप था कि जहां हूल आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था उस इलाके में घुसपैठ हो रही है और आदिवासी का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ रहा है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी का आरोप कि 16% गिरावट जो है दर्ज किया गया है आदिवासियों की जनसंख्या में, आलम यही रहा तो 100 साल बाद हूल मनाने के लिए कोई आदिवासी का अस्तित्व ही नहीं रहे। देखिए, 14 वर्षों के बाद बाबूलाल मरांडी जी की वापसी हुई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सेंसस के भी लगभग 14 साल हो गए, उनके शक की निगाह से देखते हैं और लगातार वो घिरे पड़े हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उससे ये लोगों ने उनको एक तरह से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विशेष करके जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने नकार दिया कि इन्होंने किस तरह का सारा जाल बिछाया कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। अब उसकी सफाई में इस तरह के बयान देंगे, नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे। उस निमित्त उन्होंने कोई बयान दिया होगा। हमें लगता है अगर सीरियसनेस इतना था तो जब 2000 में मुख्यमंत्री थे तब इस तरह का की बात कही क्या। अगर 1951 से कह रहे हैं तो 2000 में जब मुख्यमंत्री थे तो कहना चाहिए था, और लगातार जब 14 वर्षों तक हमारे साथ रहे तब भी कहना चाहिए था। तो अब सफाई में वो और कुछ कुछ बोलते रहेंगे। और आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। तो कुतुब मीनार से कूदने के बाद जैसी हालत होती है वैसे हालत में अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो बहुत संजीदा व्यक्ति की तरह बयान नहीं दे रहे हैं। हम समझते हैं अगर कोई बात है, अगर इस तरह की बात है तो आपको उसके लिए बयान देने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए उनको अब, वो तो बेहतर भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उनकी भूमिका। विषय किसका है? नहीं, विषय ये पूरे देश का है। अगर कोई कहता है कि अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ गई, बार बार वो हेमंता विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान सब लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई कुछ लिख के दे रहा है, कभी कोई कुछ लिख करके दे रहा है, विषय भारत सरकार का है, गृह मंत्रालय का है, और अगर कुछ हो रहा है तो उनको उस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फेल है इसका मतलब, तभी इस तरह की बातें बार बार आप करते हैं, घुसपैठिए घुस रहे हैं, ये दायित्व तो किसका है? कॉमन मैन का, कॉमन सेंस की बात है कि ये दायित्व तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्री को इस संदर्भ में अपनी बात रखनी चाहिए या रक्षा मंत्री को। तो उनसे तो बात करने की हिम्मत नहीं है, उनसे जैसे ही इस तरह की कोई बात करेंगे बाहर कर दिए जाएंगे। तो अब जो है बयान वान दे करके अपनी अस्तित्व को बरकरार रखने में लगे हुए हैं। बहुत उनके बयानों को कोई संजीदगी से नहीं लेता, ना ही जनता लेती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आप लोग जो हैं ये दावा करते हैं कि कांग्रेस, JMM, RJD जो है वो आदिवासी हित में ही काम कर रही है और आदिवासियों के साथ खड़ी है। अगर नहीं कर रही होती तो उसका जीता जागता प्रमाण है ना, अभी 5 सीट पर 5 सीट पर वो लोग हारे हैं और हम लोग जीते हैं। तो कुछ तो किया होगा, तभी आदिवासियों का विश्वास हमारे ऊपर है और तमाम झारखंड वासियों का, सच पूछिए तो हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है और इस बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हमने 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक के वोटों में वृद्धि की है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास हुआ है कि ये जो सरकार चल रही है वो सचमुच में सबको ले कर चलने वाली सरकार है, नफरत पैदा करने वाली सरकार नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी की बात पर चलने वाली सरकार है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं।
तो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर के लोगों ने वोट किया है। अभी बहुत हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बात करने के बहुत धन्यवाद राजेश ठाकुर जी। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो इस विषय पे गृह मंत्रालय को नोटिस लेना चाहिए था, और बीजेपी को अगर इतना चिंता है तो उसे बताना चाहिए था। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार हमेशा आदिवासियों के हित में खड़ी है, उनके पक्ष में काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है 5 आरक्षित सीट जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए थे उस पर जो जीत दर्ज की है लोकसभा चुनाव के दौरान, वो एक बड़ा प्रमाण है कि आदिवासियों का विश्वास ये जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार है उसके प्रति बढ़ा है, जबकि घुसपैठ और बाकी जो विषय हैं वो केंद्र के विषय हैं। और इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि वो नफरत पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि इसका माइलेज लिया जा सके, चुनावी आहट जो है वो सुनाई दे रही है अलग अलग दलों को, ऐसे में इस तरह के बयान आ रहे हैं और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान या फिर सह चुनाव प्रभारी बीजेपी के हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके तरफ से हालांकि सच्चाई यही है कि ट्राइबल्स जो हैं वो अभी जो वर्तमान सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके साथ खड़ी है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।